Welcome to UPSC Udaan. So let's start the end of discussion dated October 17, 2019. So first article here is the Supreme Court reserves Ayodhya verdict after 40 day marathon hearing. तो अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी जो सुनवाई चल रही थी 4 दिन के लिए डेली, वो ख़त्म हो चुकी है और अब बस एक महीने बाद उसका डिसीजन आना बाकी रह गया है। तो जो सुन्नी बोर्ड है उन्होंने क्या बोला है कि दे आर रेडी टू सेटलमेंट, सेटलमेंट के तैयार हैं, जो मंदिर की जगह है वो मंदिर को दे दी जाए और जो सुन्नी बोर्ड है, जो सुन्नी है बोर्ड है, उनको अलग जगह दे दी जाए अपना मस्जिद बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। बाकी जो डिसीजन आएगा तब हम देखेंगे। वो सिर्फ बताया गया कि वो क्या चाह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोड्यूस ऑल ऑर्डर्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर कर्ब्स कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो भी रोक लगाई हुई है उसको देखते हुए, जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करें। ओके, देन नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द करतारपुर कॉरिडोर वर्क गोइंग ऑन राउंड द क्लॉक। तो करतारपुर कॉरिडोर के बाद बीच में बात है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है, और ये बन कहाँ रहा है तो गुरदासपुर में है, डेरा बाबा नाना है गुरुद्वारा इन गुरदासपुर, और जो करतारपुर है वो जगह कहाँ पे, दैट इज इन पाकिस्तान। तो इसके बीच में एक रास्ता बन रहा है ताकि जो लोगों को घूम के जाना पड़े करतारपुर तक, एक सिख श्रीन है, और ये किसको डेडिकेटेड है, दैट इज डेडिकेटेड टू गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने लाइफ के आखिरी समय जो है इसी जगह पर बिताया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्ट करतारपुर कॉरिडोर के बारे में ये कि किस रिवर के पास है, तो रिवर का नाम है दैट इज द रवि रिवर। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। लेट सी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन। सो अगेन दिस इज अ पिक्चर इन विच द एडवर्टाइजमेंट इज देयर कि किस तरीके से जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो पॉल्यूशन को कर्व कर रही है। तो डेट इज द ऑडिवन प्रीमास दिवाली लेजर शो, ये मैंने आपको कल सब चीज़ें बता ही दी थी। ओके, सो नेक्स्ट इज द इट्स आप वर्सेज बीजेपी ओवर एयर पॉल्यूशन। तो अब एयर पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली में लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई क्यों हो रही है, जो आम आदमी पार्टी है वो बोल रही है कि जो स्टबल बर्निंग है उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन है इन जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, वेरी पुअर कंडीशन कैटेगरी में है बिकॉज ऑफ दिस स्टबल बर्निंग। लेकिन जो बीजेपी है वो बोल रही है कि नहीं, सिर्फ 10% पॉल्यूशन जो है वो स्टबल बर्निंग की वजह से होता है लेकिन बाकी का पॉल्यूशन नहीं होता। तो एक बीच में लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे एक दो ही चीज़ें, दैट इज द सफ़र और दूसरी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली उसका वर्क क्या है, जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बताती है कितना पॉल्यूशन है, उसके लिए उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं और वो उस इंडिकेटर्स में क्या किसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करती है, दैट इज PM2.5, PM10 और जी तुम्हारा ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, PB। ओके, सो ये सब कुछ इन कंटेंट है टोटल। तो इनके बेसिस पे जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट होती है। और सफ़र जो होती है, सफ़र भी एक तरीके के एक फॉरकास्टिंग, एयर फॉरकास्टिंग और कि किस तरीके का पॉल्यूशन वो बताती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। और IIT दो इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे ने इसे बनाया था। और इसके अंदर भी जो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, डेट इज़ द PM1, PM2.5, PM10 और कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, SOx और कुछ UV रेज जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उनको भी ये कैलकुलेट करता है। डिफरेंस यही है इसमें कुछ ज़्यादा है, जैसे कि UV वगैरह जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो सब इसमें वो इंक्लूड नहीं होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, कि बस इंडिकेटर का डिफरेंस है, काम दोनों का एक ही है कि कौन किस किस बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। माय गवर्नमेंट विल प्लान मिनिमाइज रेड टेप टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है वो कि एक जो मध्य प्रदेश सरकार है वो एक नई पॉलिसी लेके आ रही है, दैट इज़ द लैंड पूलिंग पॉलिसी। तो एक तरीके से कि लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्विजिशन में रिफॉर्म की बात चली जा रही है यहाँ पे। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जो फार्मर्स को पहले दिक्कत आती थी कि उनकी ज़मीन सस्ती रेटों पे ले दी जाती थी और इंडस्ट्रीज़ को महंगे रेटों पे दे दी जाती थी, उस हिस्से जो फार्मर्स उनको हेल्प करेगा क्या करेगा, इसके अंदर ये फार्मर्स डायरेक्टली अपनी जो भी अपनी लैंड है उसको लीज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर्स की जो जगह है उसके जो रेट बढ़ेंगे तो उनका फायदा डायरेक्टली फार्मर्स को मिलेगा। सो डेट्स द
ऑल द अबाउट दिस न्यूज. और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो वी जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑर्गेनिक कॉटन का इन द कंट्री. तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से हो गई. और जो इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश इज अ ट्रेडिशनल हब एंड हैज़ अ वेल स्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम. तो अगर टेक्सटाइल की बात करें तो मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल हब है और वेल स्टेब्लिश्ड सेंटर है. सो दिस अबाउट दिस न्यूज. सो नेक्स्ट है MP टू एक्सेम्प्ट ई व्हीकल्स फ्रॉम टैक्स. सो ये भी मध्य प्रदेश रिलेटेड है. मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उससे क्या जो ई व्हीकल्स है उनको हटा दिया है. तो प्रोजेक्ट एंड डू अवे विद मोटर व्हीकल एक्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मोटर व्हीकल एक्ट से मोटर व्हीकल टैक्स से एक्सक्लूड कर दिया गया है. अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ताकि जो वो प्रमोट कर सके. द नेक्स्ट अगेन, जो केरला में जो बिल्डिंग गिराने की बात की जा रही थी, जो CRZ नॉर्म्स का वॉयलेशन करते उससे रिलेटेड है, तो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसे. इफ़ यू वॉन्ट टू सी वॉट इज अबाउट दिस आर्टिकल, सो यू कैन गो टू द यस्टरडे वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज दिस मरादू केस. सो नेक्स्ट इज द पेज नंबर 9, नेशन. सो इंडियन इंडिजनाइजेशन ब्रीव्स रिकॉग्नाइज मार्जिनल राइस. सो अब जो है 2012 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था कैटल का, और 2019 में दोबारा कैटल डेरी 2019 में एक सेंसस कराया गया है. इसमें बताया गया है कि जो ओवर लास्ट 7 ईयर्स पिछले 7 साल में ग्रोइंग फ्रॉम 1.9 टू 2.5 करोड़ एनिमल्स. तो 1.9 से 2.5 करोड़ एनिमल्स सिर्फ बढ़े हैं. तो जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल में वो यही है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट, और इसमें क्या होगा, ये प्रमोट करेंगे इंडिजीनियस जो देसी ब्रीड्स है उनको. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्मी मूव्स ओवर जॉइंट सर्विस एक्ट. तो आर्मी अब पहले सर्विसेज को ज्वाइन करने की बात कर रही थी, अब एक्ट जॉइन एक कानून लाना चाहते हैं जिससे जो सर्विसेज है वो एक, जैसे कि एयरफोर्स के लिए अलग एक्ट है, आर्मी के लिए अलग है, नेवी के अलग है, तो अब एक जॉइंट सर्विस एक्ट लेके आना चाहती है सर वो जो आर्मी है. विद द गवर्नमेंट अनाउंसिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ, द ऑनगोइंग आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस डिस्कस द नीड फॉर क्रिएटिंग अरेंजमेंट टू एनेबल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड आर्मी, एंड फॉर दिस दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग टू मेक टू टेक टेक अ डिसीजन टू कम अप विद अ एक्ट फॉर जॉइंट आर्मीज. सो दिस इज अबाउट दिस. सो नेक्स्ट एडिटोरियल पेज, पहला जो एडिटोरियल है द रिफ्यूजिंग टू रेस्क्यू कंपेयरिंग केस फॉर जस्टिस मिशर टू विड्रॉ फ्रॉम द लैंड एक्विजिशन केस. सो एक लैंड एक्विजिशन केस क्या हुआ था जिसके अंदर जस्टिस मिश्रा जो है उन्होंने पहले सुनवाई की थी, लेकिन उस सुनवाई के बाद जो है उनकी जो केस है उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले गया, नहीं उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया. तो अब जब दोबारा इस केस को लेके आया है तो अगेन जो जस्टिस मिश्रा है वो अगेन इस बेंच का हिस्सा है. तो ये बात और ये साइड में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब जस्टिस मिश्रा पहले वाली बेंच में भी थे तो इस वाली बेंच में वो क्यों है, क्योंकि अगर पहली वाली बेंच में वो थे और उनकी वजह से डिसीजन जो भी डिसीजन है लैंड एक्विजिशन केस के ऊपर वो नहीं फेयरली हुआ, फेयरली कंपनसेशन नहीं मिला, तो अब दोबारा अगर वो जस्टिस मिश्रा अगर दोबारा लेंगे तो लोगों के मन में एक तरीके का जो जस्टिस है कि हमें फेयरली जस्टिस नहीं मिलेगा वो अब भी रह जाएगी. तो इसलिए जो इसमें बोला है कि जो ऑथर है कि जस्टिस मिश्रा को खुद ही अपना विड्रॉ कर लेना चाहिए कि नहीं अब मैं इस केस का पार्ट नहीं बनना चाहता दोबारा से. सो नेक्स्ट इज एडिटोरियल इज दैट टेकिंग नेशनल डेटा सीरियसली नेशनल डेटा राइट्स एज अ एट द RCEP. तो ये RCEP नेगोशिएशन से रिलेटेड और डेटा से रिलेटेड डेटा जो हमारे नेशनल डेटा से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, इसमें बोलता है कि ऑथर ने कि डेटा जो है आज की डेट में नहीं न्यू वेल्थ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो न्यू वेल्थ है फ्यूल के बाद दैट इज द डेटा. तो फ्यूल को भी ये छोड़ देता है डेटा. और इसको देखते हुए ऑथर ने बोला है कि जो टॉप 8 कंपनीज हैं मार्केट के ग्लोबल टुडे आर डेटाबेस कॉरपोरेशन. जो टॉप 8 कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली वो डेटाबेस कॉरपोरेशन, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए, चाहे अमेजोन ले लीजिए, सब डेटा का बेस है. ओके तो नीति आयोग जो है जो लेके आई है स्ट्रेटेजी फॉर टू कट ऑन द सेंट्रल इशू मोर डेटा शेयरिंग विद इन द कंट्री. तो जो ऑथर है वो बोल रहा है जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो डेटा इंडिया से फ्री में ले लेती हैं, लोगों से डेटा ले लेती हैं और उसको बाहर जाके बेचती हैं. तो इसके देखते हुए तो जो ऑथर है बोल रहा है कि सरकार को एक ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी लेने आनी चाहिए कि जो डेटा कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो डेटा कंट्री के अंदर रहे और कंट्री के अंदर ही शेयर करा जाए और यहाँ के लोगों को उसका, यहाँ के जो बिजनेसमैन है उसका फायदा हो, ना कि जो डिजिटल कॉरपोरेशन है वो डेटा अब इंडिया के बाहर ले जाती हैं, बाहर सेल कर देती हैं अलग अलग कंपनीज को और वो फिर उस डेटा का यूज़ करके इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो ये चीज़ गलत है. तो जो
गवर्नमेंट है उसको ऐसा करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है उनको फायदा मिले इस चीज़ से, और द वेरी बेसिक ऑफ द राइट इकोनॉमीज टू एम्प्लॉय सच डेटाबेस इंटेलिजेंस टू रीऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट सेक्टर्स। तो इस तरीके का डिजिटल इकोनॉमी को पुशअप करने के लिए डेटाबेस इंटेलिजेंस को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को। और जिस तरीके से जो RCEP ने एक नया मेथड ढूंढा था कि किस तरीके से जो डेटा लोकलाइजेशन का जो कानून ले वो एक सेक्शन लेके आए थे कि डेटा लोकलाइजेशन जो होगा उस नहीं होगा, और क्या कहते हैं जो डेटा है सबको शेयर किया जाएगा, उससे क्या होगा जो इंडियन मार्केट है वो पूरी दोबारा चाइनीज प्रोडक्ट से बढ़ जाती है RCEP की वजह से। तो उसकी वजह से जो इंडिया ने क्या देखा कि हमने उसने उस पॉइंट को नहीं माना। तो जो ऑथर फिलहाल में कंक्लूड कर रहा है सेंट सम काइंड ऑफ डेटा में इंडीड नीड टू बी लोकलाइज वेल अदर शुड फ्रीली फ्लो ग्लोबली। तो कुछ डेटा को ग्लोबली जो है फ्लो कर देना चाहिए, लेकिन कुछ डेटा जो है जो सेंसिटिव डेटा है जो प्राइवेट डेटा है उसको नहीं ग्लोबली जो है एज ए फ्रीली फ्लो होने देना चाहिए। एंड कंट्री रिटेन कंप्लीट डेटा पॉलिसी स्पेस एंड मीन्स टू शेप इट्स डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो कंट्री है उसको क्या करना चाहिए, जो एक डेटा पॉलिसी स्पेस बनाना चाहिए और जिसकी बेसिस पे वो डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन को शेप अप कर सके। सो दैट्स ऑल द ऑथर स्पीकिंग इन दिस एडिटोरियल। सो नेक्स्ट इज द एजेंट ऑफ चेंजेस। सो एक हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्वे आया था, दैट इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। तो उसमें जो जिनकी मदर्स ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं उन बच्चों में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ा। तो टोटल 1.25 लाख चिल्ड्रन बिटवीन 2016 to 2018 मेजर डाइट डाइवर्सिटी मील फ्रिक्वेंसी एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। तो ये तीन इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो जो इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के अंदर चेक किया गया। तो उसमें ये देखा गया कि जो लेडीज़ जो हैं जो पढ़ी लिखी हैं 12th क्लास तक पढ़ी हुई हैं उन बच्चे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन लेवल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बिना पढ़े लिखे माँ बाप हैं। तो इसमें से अटल कहना चाहता है कि जो आज के डेट में ज़रूरत है वो फीमेल एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से जब भी आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हो तो वहाँ पर लिखें कि फीमेल एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो डेट शोज हेयर। देन एक फैक्चुअल चीज़ है कि सेंसस 2011 में जो फीमेल्स लिटरेसी रेट था दैट इज 65.46%, वो बहुत कम है किससे, मेल लिटरेसी रेट से, दैट इज सॉरी बहुत कम है मेल लिटरेसी रेट इज 82.4% और केरला जो है उसका सबसे हाई लिटरेसी रेट है। सो यही था। द नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑपरेटिव वर्ल्ड मस्ट बी बाय लिटरलिज्म यूजिंग देयर कन्वर्जेंस ऑफ परसेप्शन ऑन मेनी इशूज इंडिया एंड यूएस कैन वर्क क्लोजली इन शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। तो ये आज के डेट में जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। तो जो ऑथर है वो ये बोलता है कि जो पहले जो टाइम था उस समय जो कंट्रीज थी वो किस पर फोकस करती थी, पीस जॉइंट कॉपरेशन मल्टीलिज्म मल्टीलिटरिज्म लिबरलिज्म इस पर फोकस करती थी। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, जो कंट्रीज हैं वो किस पर फोकस कर रही हैं, यूनिलिटरलिज्म प्रोटेक्शनिज्म आइसोलेशन इन चीज़ों पर फोकस कर रही है। तो ये और सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें जो डिसरप्शन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, यूएसए की वजह से, यूएस और चाइना की वॉर जो हो रही है और जो ब्रेक्सिट है उसको वैसे उसकी वजह से। तो इसको देखते हुए ऑथर बोल रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इंडिया को या तो नॉन अलाइनमेंट होना चाहिए, जिससे उनका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, किसी के साथ नहीं रहेंगे अलग चलेंगे, दैट इज़ अ नॉन अलाइनमेंट। और सेकेंड या तो फिर यूनिलैटरलिज्म, तीसरा परमानेंट ट्रीटी ट्रीटी फॉर ऑल वन ऑफ द सुपर पावर्स एंड मल्टी अलाइनमेंट। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन इंडिया को चूज करना चाहिए, या तो किसी के साथ नॉन अलाइनमेंट कर ले या फिर यूनिलैटरलिज्म ले या फिर किसी सुपर पावर या यूएसए की तरह साथ उनका परमानेंट अलाय बन जाए या फिर मल्टी अलाइनमेंट। ये मल्टी सबसे अपना अपना काम निकालो और ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमी पर ध्यान दो। तो इसको देखते हुए ऑथर ने जो इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को डिस्कस किया है यहाँ पर कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप कैसे हैं। तो ऑथर बोल रहा है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप मिक्स्ड अप है, मिक्स्ड अप मतलब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं अगले ही है। तो उसका एग्जांपल देते हुए बोला ऑथर ने कि गुड कैसे हैं कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में जो तीन फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, इट इज द कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये जो ये एग्रीमेंट हुए हैं ये शो करता है कि हम जो रिलेशन है वो गुड है। देन अब बेकार कैसे हैं, बेकार ऐसे हैं, बैड इसलिए हैं कि जिस तरीके से ट्रेड वॉर और जो जो वो WTO में जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है उसको हटाने की बात कर रहा है यूएसए की, इंडिया डेवलपिंग नेशन नहीं है आज के अब
तो उसको जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलने चाहिए। और उसके बाद जब 1971 का जो वॉर हुआ था उस समय जो इंडिया इंडिया 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जो यूएस ने अपना एक फ्लीट भेजा था पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो इस तरीके से शो कर रहा है कि जो इंडिया का जो रिलेशनशिप है इस कंडीशन में अगली है। तो इसको देखते हुए जो ऑथर है वो बोल रहा है कि जो इंडिया जो है उसको ये देखते हुए, ऑथर का ये देखते हुए रिलेशन फॉरेन पॉलिसी बनाए चीन यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए जो है जो वो अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी करे था। तो इसको देखते हुए बिल्कुल तरीके से यूएस के साथ अलग पॉलिसी बनानी चाहिए, और जो फोकस करना चाहिए अपना काम फोकस करना चाहिए, मल्टी अलाइनमेंट की बात करनी चाहिए, और जो मेन जो काम है वो ये है कि इंडिया को कैसे सही रखना है। तो टेट तो अपना काम बनता वो वाला हिसाब किताब करना है आपको। नेक्स्ट इज नॉट ग्रीन बट ग्रीन विश ग्रीन वॉश। तो ये ऑथर का एक एडिटो आर्टिकल है जिसमें बोला है कि जो कंपनीज हैं वो हमारा पागल तो नहीं बना रहे कि ई व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो ग्रीन वॉश कर रहे हैं हमें कि ग्रीनरी की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा पॉल्यूशन कम होगा। तो इसको ऑथर में देखते हुए एग्जाम्पल कोट किया है जो एरे फॉरेस्ट का मुंबई में केस हुआ था, जिसके अंदर मेट्रो कार्ट डिपोट जो है वो वहाँ के जो फॉरेस्ट एरे फॉरेस्ट को काट रही थी। तो उसको और देखते हुए ऑथर बोल रहा है कि जो पॉल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि हम ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए भी हो रहा है जो हमारी ग्रीन इकोलॉजिकल है हम उसको ख़त्म करेंगे। डिफॉरेस्टेशन होना या फिर सॉइल का मॉइस्चर लूज करना या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ख़त्म होना, तो ये सब चीज़ें फोकस अगर हम इन पे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि अगर आप इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो एक आने वाले टाइम में जो पॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं हम ई बाइक कर लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अमेजोन जंगल में आग लगा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो हमें फोकस किस तरह करना चाहिए, जो इकोलॉजी है उसको बचाने में करना चाहिए। अगर इकोलॉजी सही रहेगी तो हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट इज आगरा जेल डिनाइज आरटीआई रिक्वेस्ट ऑन डिटेनी। तो यहाँ पे आरटीआई से रिलेटेड है, तो जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 7(1) ऑफ द आरटीआई, तो ये क्या कहता है कि अगर किसी बंदे की लाइफ या लिबर्टी इंडिविजुअल की अफेक्ट हो रही है तो जो आरटीआई है उसको 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर उसे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और दूसरा सेक्शन जो सेक्शन 8(1)(g) कह रहा है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है किसी की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी के ऊपर आती है तो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करानी होगी। तो नेक्स्ट अगेन आर्टिकल यहाँ पे आरटीआई के ऊपर है। तो आरटीआई इस पे और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सुधीर भार्गव हैं वो बोल रहे हैं कि जो वॉयलेशन है आरटीआई इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर की, जो हैवी पेनल्टीज लगेंगी जो ऑफिसर्स हैं जो भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन साथ के साथ एक उन्हें फ्रीडम भी दी हुई है, लूप होल भी दिया हुआ है इस एक्ट में कि अगर आपको एक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लेकिन कितना टाइम लगेगा वो उसमें मेंशन नहीं किया। तो एक तरीके से एक एडवांटेज है, देखिए वो इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे लेकिन उसे डिनाई करते रहेंगे कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो जब डिनाई करेंगे, रॉन्गली डिनाई करेंगे तो कई गलत तरीके से डिनाई करेंगे तो उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए लेकिन उन पर पेनल्टी नहीं लग रही। तो इस तरीके का एक वे फाइंड आउट कर लिया जो ऑफिसर्स है उन्होंने कि इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड पेज। वर्ल्ड पेज में क्या है, यूएस हाउस पासिस हांगकॉन्ग राइट्स एक्ट। सो यूएस जो है उन्होंने हांगकॉन्ग में जो इशू चल रहा है उसको देखते हुए और जो हांगकॉन्ग की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कानून पास किया, दैट इज द हांगकॉन्ग राइट्स एक्ट, जहाँ पे वो हांगकॉन्ग में जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें। तो इससे क्या होगा, जो यूएसए है वो क्या कर रहा है, चाइना के इंटरनल मैटर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसके देखते हुए हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया सॉरी यूएस और चाइना के रिलेशनशिप है वो और भी खराब हो सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट आर्टिकल एयर इज टर्की डेफिएट ऑन सीरियन ऑफेंसेस। तो टर्की ने फिर से बोला है कि वो अपना जो सीरिया में अटैक कर रहा है उसको बंद नहीं करेगा। नेक्स्ट इज द चाइना लीज ऑन एंटायर पैसिफिक आइलैंड फॉर 75 ईयर्स। चाइना ने फिर एक नया काम कर दिया कि 75 साल के लिए एक पैसिफिक आइलैंड को लीज पे ले लिया और आइलैंड का नाम है तुलागी आइलैंड। तो याद रखेंगे तुलागी आइलैंड जो है वो किसने लीज पे लिया है, चाइना ने लीज पे है। इसके लोकेशन का पैसिफिक पैसिफिक के अंदर है, वो भी साउथ पैसिफिक के अंदर। और ये इम्पोर्टेंट क्या है इस आइलैंड के बारे में, ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। तो इस तरीके से जो ये चाइना है वो अपने मनी पावर का यूज़ करके जो कंट्रीज है उनको अफेक्ट करती है और उनके पूरी जो मार्केट उसको कैप्चर कर लेती है। सो दैट इज़ द न्यू वे कि किस तरीके से आप नई तरीके से कॉलोनिज्म कर रहे हैं। सो दैट्स अबाउट दिस आर्टिकल। सो लेट्स सी द नेक्स्ट
आर्टिकल. सो नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर लास्ट पेज. सो डेट इज अबाउट द न्यू इंडेक्स विच इज लॉन्च्ड टुडे. डेट इज द हंगर इंडेक्स. जो हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक जो है डेट इज 102 आउट ऑफ 117. और जो 2018 थी उसके अंदर सिर्फ इंडिया की रैंक 103 थी आउट ऑफ 119. तो जो कम हुई है रैंक उसका रीज़न यही है कि जो पहले जो कंट्रीज थी वो 119 थी और अब 117 है. दो कंट्रीज ने इसे विड्रॉ कर लिया. तो इंडिया की हंगर इंडेक्स में अभी कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है और इंडिया जो है अभी भी जो नेबरिंग कंट्रीज है नेपाल और पाकिस्तान और बांग्लादेश उनसे भी पीछे है. अभी रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? जो पब्लिश करता है डेट इज द आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर है हेल्फे. तो वेल्ट हंगर हेल्फे एंड द वर्ल्ड वाइड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करते थे. याद रखें अब क्या क्या इंडिकेटर्स है जिनके पे ये कैलकुलेटेड हुई है. फोर इंडिकेटर हैं: अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग. सो ये फैक्टर ये पॉइंट्स हैं. एंड फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी. तो ये चार हैं: चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड वेस्टिंग. तो इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो हंगर इंडेक्स है वो कैलकुलेट की जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज द हिंदू डिस्कशन गाइस. सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल अस टू अवर जीमेल, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो थैंक यू.